जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन एवरीबडी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम एवरीबडी जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम Everybody chant loudly. आप सब लोगों को याद है ना, एक बार यहां पर भगवान का नाम लेने का मतलब है 100,000 times. हाँ, अभी वापस कभी आप वृंदाकुंड में आएंगे, दो दिन के बाद हम हैदराबाद चले जाएंगे, फिर 1:1 ओनली है ना. तो इसलिए जितना समय मिल रहा है उतना समय पुकारो, हृदय से पुकारो. जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम. हृदय से पुकारो, ऑल फ्रॉम द हार्ट. जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन महाना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना.
पुकारो, कॉल आउट लाउडली, पुकारो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धाना कलिंदी जमुना जय जय महावाना जय श्याम कुंड जय राधा कुंड गिरि गोवर्धन शमकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना कलिंदी यमुना जय जय महावाना जय श्याम कुंड जय राधा कुंड माई की जय हो। केशी घाटा बंसी बटा द्वादश काना और क्या जहां सब लीला कोइलो श्री नंदा वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। तुलसीदेवी वृंद महारानी की नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयासी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो हे अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पावो
अभिलाषी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नमः। ये तुम्हारा शरण लो सर्वांच पूर्ण हो, ये तुम्हारा शरण लो सर्वांच पूर्ण हो। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नमः। मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो मोरए अभिलाष विलास कुंज दियो नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, नामो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नमः। ऐ निवेदनादरो शोकिरनुगता करो, निवेदनादरो शोकिरनुगत करो। सेवाधिकार दिव करो निज दासी। Everybody, please beg. सब लोग प्रार्थना करो कि वृंदा देवी हमें आपकी सेवा में रखो। सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दास कोए ऐ जे नमो राहो, कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं।
दीन कृष्ण दास को हे जे नमो राहो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जे नवासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः अभी सब लोग मन में परिक्रमा करो तुलसी की, ऐसा मन में सोचो कि आप तुलसी के परिक्रमा कर रहे हो। यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यधिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यधिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे कानी च पापानि ब्रह्म हत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा
प्रभुपदा जय प्रभुपदा तुलसी महारानी वृंद देवी की वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंद देवी तुलसी महारानी की वो लाउड स्पीकर बंद कर दो। सो यू हैव तुलसी आरती ऑन मोबाइल। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। वी ऑफर हम सब लोग तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं। राधा कृष्ण सेवा पाओ ऐ अभिलाषी। तुलसी महारानी की पूजा इसलिए करते हैं कि हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। तुलसी महारानी शक्तिशाली देवी है, वो हमें राधा कृष्ण की सेवा भक्ति दे सकती है। जे तुम्हारा शरण लोए तार बांछा पूर्ण होए। आपकी यानी वृंदा देवी की शरण लेने से जो भक्ति के जीवन में इच्छा होती है सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्ति के जीवन में कौन सी इच्छा होनी चाहिए? भक्ति, स्पिरिचुअल सेवा, प्रेम प्राप्त होना चाहिए और कुछ नहीं, इच्छा होना चाहिए। और वो इच्छा तुलसी देवी पूर्ण कर सकती है। तार वांछा पूर्ण हो, सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकती है। कृपा करी कोरो तारे वृंदावन वासी। तुलसी देवी की कृपा हो जाती है तो सब लोगों को वृंदावन का वास मिलता है। आप में से कितने लोगों को वृंदावन का वास चाहिए? हरी बोल। वृंदावन के वास का मतलब ये नहीं है कि वृंदावन में यहीं पर आके रहना है, वो भी अच्छा है, लेकिन जहां भी रहो वृंदावन में रहो, ये सच्चा वृंदावन वास है। कहीं भी भगवान हमको ले जाएंगे तो वहां वृंदावन के भाव में रहो। मन मोर वृंदावन, मन में वृंदावन बसाओ। मन में वृंदावन को बसाओ और उस वृंदावन में वास करो। भाव रूपी बास वृंदावन का ज्यादा परिणामकारक होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये जो शरीर से निवास है और भाव से निवास है, दोनों निवास वृंदा देवी हमको दे सकती है। फिर मोर यही अभिलाष बिलास कुंजे दियो वास। मेरी ऐसी इच्छा है, दीन कृष्णदास बता रहे हैं कि विलास कुंजे दियो वास। विलास कुंजे यानी जहां पर आप विलास कर रहे हो, लीला कर रहे हो, आनंद की लीला कर रहे हो, वहां पर मुझे निवास मिले। और नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। वहां पर बैठ के मैं क्या करूंगा? बंबई के बारे में सोचूंगा, हैदराबाद के बारे में सोचूंगा? नहीं, वहां बैठ के मैं आपको निहारूंगा। नयने हेरिबो, आपका दर्शन करूंगा, अवलोकन करूंगा, आपको निहारूंगा, प्रेम से आपके लीलाओं को दर्शन करते रहूंगा। फिर यही निवेदन धरो, अभी वो निवेदन कर रहे हैं, हम सबको करना है। सखी अनुगता करो, वो सखी यानी ललिता सखी, उनकी अनुगता यानी उनका जो अनुगत्य यानी फॉलोइंग हमको प्राप्त होना चाहिए। हमको क्या जरूरी है? हम अभी माया को फॉलो कर रहे हैं, अभी हमको सखी अनुगता करो यानी सखी जो है ललिता विशाखा सखी, इनकी मालकिन है, उनके आदेश पर वृंदा देवी सेवा करती है, तो उनकी सेवा प्राप्त हो, उनका अनुगत्य और डायरेक्शन निर्देशन प्राप्त हो। सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी, हमको सेवा का अधिकार दो। वैसे हम अधिकारी नहीं है, याचना कर रहे हैं, सेवा दो। और अभी मैं पुरुष हूं, कृष्णदास कविराज भी पुरुष हैं, पर क्या लिख रहे हैं? कोरो निज दासी, निज दास नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में सखी भाव ही चलता है। अगर हम पुरुष बनकर आएंगे यहां पर अपने अहंकार लेकर, नो एंट्री, नो एंट्री। तो कोरो निज दासी कह रहे हैं, आपकी दासी बना दो मुझे। दीन कृष्ण दासक हो, अभी वो दीन यानी नम्र, हम्बल, दीन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न बासी। मैं ये अभिलाषा करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, याचना करता हूं, भिक्षा मांगता हूं
कि मेरा मन जो है वो सादा सदा राधा गोविंद के प्रेम में ही भाषी यानी पड़ा रहे, उसके अंदर ही मेरा मन जो है वो राधा गोविंद के प्रेम में ही रहे और किसी के प्रेम में ना रहे। थोड़ी भी गैप होगी तो कोई और प्रेम करने लगता है। तो हमारा शत प्रतिशत जो प्रेम है वो उनको ही चरणों में समर्पित होना चाहिए, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप लोगों को और मुझे शायद पता नहीं होगा लेकिन जानना जरूरी है कि वृंदा कुंड में, वृंदा देवी के निवास स्थान में आकर वृंदा देवी की तुलसी आरती गाना ये बड़े भाग्य की बात है। यहाँ पर बैठकर पता नहीं अभी इसके बाद कितने दिनों के बाद, महीने के बाद में पता नहीं कब आएगा मौका। इसलिए जितना समय हम लोग ब्रज में है ना उतना समय ब्रज में ही रहना चाहिए, मन से यहाँ वहां भटकना नहीं चाहिए। मन जो मिल रहा है वो कता होता है स्पॉन्ज कैसा होता है, जहां पर भी डुबाते हो ना वो सब खींच लेता है उसको, जिधर भी डालो उसको सोक कर लेता है। गेट सोक्ड, हाँ यहाँ पर सूखे मत रहो, जो मिल रहा है उसको एब्सॉर्ब करो, ग्रहण करो, जमा करो, मल्टीप्लाई करो, इन्वेस्ट करो, यही वृंदावन वास का रहस्य है। मन को भटकने मत दो, एक ही जगह रखो, राधा कृष्ण की कृपा खींचने के लिए मन को सदैव तैयार रखो। चाहे गर्मी पड़ेगी, ठंडा आएगी सुबह, बाद में भोजन लेट मिलेगा, उपवास होगा, जो भी कुछ होगा, ये सब तो चलते रहता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। एक एक स्थान में ऐसी विशिष्ट लीला है और विशिष्ट कृपा है, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को वृंदा देवी का ये आरती हम गाएं। अभी वृंदा देवी की बात चल रही तो वृंदा देवी का गौरव पहले करेंगे। वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी इतनी महत्वपूर्ण गोपी है कि राधा रानी ने अपना वृंदावन, कि राधा रानी का एक नाम भी वृंदा देवी है, 16 नाम के अंदर एक नाम वृंदा देवी है, तो राधा रानी का वृंदावन है पूरा। लेकिन वृंदा देवी इतनी इंपॉर्टेंट सेवा करती है और इतनी प्रिय है राधा रानी को और कृष्ण को कि उन्होंने एक बार कृष्ण के साथ वृंदा देवी का विवाह कर लिया, अपने हाथों से कर दिया और वृंदावन वृंदा देवी को दान दे दिया, भेंट में दे दिया। इसलिए भी वृंदावन का नाम वृंदावन है। अभी उसमें वृंदावन देवी का राज है। तो क्या ऐसी इनकी इंपॉर्टेंट सेवा है? अष्ट सखियों में भी उनका नाम नहीं है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रलेखा, तुंग विद्या, किधर है वृंदा देवी? वृंदा देवी नहीं है। फिर भी उनका स्थान बहुत विशेष है, केवल यहां पर नहीं वृंदावन, गोलोक वृंदावन में भी है, इंपॉर्टेंट स्थान है उनका, क्योंकि वो जो भी लीला होती है राधा और कृष्ण और गोपियों की, वो सभी लीलाओं का आयोजन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग साल में नाट्य फेस्टिवल, ड्रामा फेस्टिवल में 1 घंटे का ड्रामा के लिए 3 से 4 महीना प्रैक्टिस करते हैं, तो डायलॉग, म्यूजिक, एक्टिंग, एक्शन, क्या क्या होता है उसके बैकड्रॉप। लेकिन वृंदा देवी हर रोज कम से कम 12 घंटे का ड्रामा अरेंज करती है, 12 आवर्स सनसेट टू सनराइज, और बहुत उसमें डिटेल व्यवस्था होती है। स्वागत में क्या कहेंगे, उसके पहले कौन उनका श्रृंगार करेंगे, कौन उनको लेकर आएंगे, इनके साथ कौन आएगा, उनके साथ कौन आएगा, आते ही क्या करेंगे, क्या पिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कौन सा राग में स्वागत करेंगे, फिर कहाँ ले जाएंगे, फिर कहाँ बिठाएंगे, फिर वहां पर कौन से गीत गाएंगे, कौन गाएगा, कौन नाचेगा, कौन बजाएगा, कौन कुकिंग करेगा, कौन पेय लेके आएगा, ड्रिंक्स, और अगले दिन सवेरे तक कौन शयन कराएगा उनको, कौन शयन के गीत गाएगा, कौन उठाने के गीत गाएगा मॉर्निंग में, उठाने के बाद क्या देंगे, और कौन उनको पहुंचा के आएगा अपने घर। ये तो रूटीन हो गया, बीच में होली आती है तो उसमें होली का उत्सव भी है, झूलन का उत्सव भी है,
रास का उत्सव भी है, उसमें नौका विहार भी है, क्या क्या नहीं है, इतना डिटेल अरेंजमेंट हम लोग विचार भी नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि कौन सा पक्षी कब बोलेगा, क्योंकि वृंदा देवी के अंडर 1000 तोता हैं, उनके हाथ में कौन देखा आपने, विचक्षण तोते का नाम है वो, उसके 1000 असिस्टेंट है और हर एक 1000 वाले के करोड़ों असिस्टेंट है। वो एक जो चीफ है वो उंगली में बैठता है हमेशा। राधा रानी का भी एक है, इनका भी एक है, इनके रिपोर्टर सब है, पूरे ब्रज में जाकर रिपोर्ट लेते हैं कौन सा रंग का फूल किधर खिला है, विच कलर इज प्रोमिनेंट इन विच प्लेस, वो सब ढूंढ के पूरा डिटेल रिपोर्ट देते हैं। अपना रिपोर्टर कैसे होता है, किधर एक्सीडेंट हो गया, किधर चोरी हो गई, किधर लूट गया कोई, किधर गिर गया, क्यों मर गया, उसका ही न्यूज न्यूज़पेपर में आता है, वही उनका हाईलाइट होता है। ब्रेकिंग न्यूज, समबडी डाइड टुडे, विच इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज, एवरी डे समबडी इज डाइंग, नथिंग न्यू अबाउट इट। मरते लोक में और क्या होता है, मृत्यु लोक में आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए, मृत्यु होता है इसलिए नाम मृत्यु लोक दिया उसका, तो मृत्यु लोक में ब्रेकिंग न्यूज मृत्यु की कैसे हो सकती है, अगर कोई 150 साल जिया तो भी वो ब्रेकिंग न्यूज है, ही डिडंट डाई। लेकिन वृंदा देवी के जो रिपोर्टर हैं वो इतना सुंदर रिपोर्ट देते हैं, बहुत सुंदर रिपोर्ट, कहाँ बादल छाए हुए हैं, कहाँ हल्की हल्की वर्षा हो रही है, कहाँ पीले फूल खिल रहे हैं, कहाँ गुलाबी फूल खिल रहे हैं, हवा कहाँ चल रही है, कौन सी हवा किस जगह पर कौन से फूल के खुशबू लेके घूम रही है, इतना सुंदर रिपोर्टिंग हो सकता। पक्षी को भी इन्वॉल्व करते हैं, तोता, मोर, कोयल, चक्रवाक, सभी प्रकार के जो पक्षी हैं वृंदावन धाम में, वो सबको भी सेवा देती है, तुम कभी कभी बोलना है, कौन से राग में बोलना है, इतना हरा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका और इतना दिन रात चिंतन चलता है उनका, दिन रात, डे टाइम में गेटिंग द इंफॉर्मेशन, बिफोर इवनिंग प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग एंड आफ्टर सनसेट एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग, ये हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। ये इतनी विशेष सेवा है और उसका जो बीज है, बीज यानी सेवा का जो कंसेप्ट है, कंसेप्चुअलाइजेशन, वो जो है वो ललिता विशाखा देती है, वो एक लाइन कंसेप्ट के ऊपर पूरी लीला 12 घंटे की ऑर्गेनाइज हो जाती है, वो भी सीजन के अनुसार परफेक्ट। तो इतनी वो राधा कृष्ण को, तो विशाखा ललिता को इतना प्रसन्न करती है, इसलिए वो विशेष गोपी है। उनकी विशेषता क्या है, ये इनका ऑफिस है, यहां से वो कार्य करती है, शी इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग फ्रॉम हियर। और काम्य वन में क्या है, उनका घर है, वहां पर रहती है वो, रेसिडेंस, गोविंद देव के साथ में रहती है वो, गोविंद देव के साथ में ही उनकी मूर्ति बनाई गई थी वज्रनाभ के द्वारा। अच्छा, लुप्त तो हो गया था ना गोविंद जी का विग्रह योगपीठ के टील में, तो उस समय ब्रह्म कुंड पे तुलसी जी का विग्रह मिला था, योगपीठ से राधा गोविंद जी का विग्रह प्रकट हो गया और ब्रह्म कुंड पे वृंदा देवी का विग्रह प्रकट हो गया, तो रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद के साथ वृंदा देवी का भी विग्रह राइट साइड में रखा है कृष्ण के। तो जब ये निकले वृंदावन से, तो पहले हॉल्ट लिया राधा कुंड पे, राधा कुंड पे आप भी राधा गोविंद का मंदिर है, कुछ समय के लिए हॉल्ट लिया था, उसके बाद में वो आगे बढ़े और काम्य वन गए और वहां पर भी कुछ समय हॉल्ट लिया, और उसके बाद जब आगे जाने का समय आया है जयपुर, तो वृंदा देवी ने कहा मैं तो वृंदावन की देवी हूं, आप तो जगन्नाथ हो, आप कहीं भी जाओगे जगन्नाथ के रूप में पूजे जाओगे, लेकिन मेरा स्थान तो यही है इसलिए मैं यही रहती हूं, आप चले जाना। तो राधा गोविंद जी जयपुर चले गए और आज जयपुर में राधा गोविंद अकेले हैं, वृंदा देवी काम्य वन में निवास करती है। कहां पर है वो स्थान, वो राधा गोविंद जी का मंदिर जो है, जहां पर चतुर्भुज विष्णु का विरजा देवी के साथ विवाह हुआ था, उस प्लेटफॉर्म पे, वेदी पे राधा गोविंद जी विराजमान है, तो वो उनका घर है और ये उनका ऑफिस है। यहां पर वृंदा कुंड है, और आप लोगों ने पीछे का कुंड देखा क्या, ये वृंदा कुंड है, पीछे का कुंड है गुप्त कुंड, उसका नाम गुप्त कुंड है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बताऊंगा, अगर सब लोग सुन रहे हैं तो बोलो हरि बोल, थैंक यू।
क्योंकि जितने दूर जाते हैं ना उतना ध्यान भटकता है, इसलिए मुझे बार बार पुकारना पड़ता है। तो क्या कह रहा था मैं, तो वृंदावन के कई स्वरूप हैं। एक स्वरूप है जहां पर गौचारण होता है, गाय चराते भगवान, यमुना में कूदते हैं, स्नान करते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं, नौका विहार करते हैं, बोटिंग करते हैं, छलांग लगाते हैं। वो पब्लिक प्लेस है, लाइक एवरीबॉडी कैन ज्वाइन, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ना कुछ जगह ऐसी है जहां पर केवल गोपी लोगों को ही प्रवेश है। तो जहां पर कृष्ण लीला करते हैं ओपन में, उसको कुंज कहते हैं। इट्स ओपन फ्रॉम ऑल साइड, ये कैसे ओपन है, सब जगह से कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन निकुंज जो होता है वो केवल एक ही गेट से खुलता है और बाकी सब जगह बंद रहता है, ऊपर से भी बंद रहता है ऐसे। वो प्राइवेट जगह है जहां पर कृष्णा गोपियों के साथ लीला करते हैं और उसमें सभी गोपियों को एंट्री है, किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसको क्या कहते हैं, निकुंज। उसके आगे जाएंगे ना तो निवृत निकुंज है, निवृत निकुंज। वो प्राइवेट जगह है, उससे भी प्राइवेट जगह है, सभी गोपियों को प्रवेश नहीं है। जो राजा रानी और वृंदा देवी तय करेगी उनको एंट्री है। कभी 64 है, कभी 108 है, कभी ओनली 8 है, कभी ओनली 2 है। वो गुप्त गुप्त कुंज है। तो यहां पर जब लीला ऑर्गेनाइज होती है, वृंदा देवी सभी वृंदावन में लीला ऑर्गेनाइज करती है, ऐसा नहीं कि यही करती है, पूरे वृंदावन में वो तय करती है रिपोर्ट के अनुसार कि आज कहाँ लीला करनी है, और वहां पर लीला ऑर्गेनाइज करती है। कभी कभी अपने घर पे भी, अपने ऑफिस में भी करती है। तो ये वृंदा कुंड भी राधा कृष्ण की गोपियों की लीला स्थली है, प्राइवेट। और कभी कभी राधा और कृष्ण को सजाते हैं, धजाते हैं, मेकअप करते हैं, सब कुछ करके फूलों का श्रृंगार करते हैं और उनको छोड़ देते हैं दोनों को ही। वो पीछे जगह है गुप्त कुंड, वहां पर केवल दोनों ही विहार करते हैं और कोई नहीं जाता है, बाकी सब लोग रेडी रहते हैं, अवेलेबल बट इनविजिबल। सेवक कैसा होना चाहिए, अवेलेबल बट इनविजिबल, बार बार सामने नहीं आना चाहिए, बट जब जरूरत है तो तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। सब गोपियां इनविजिबल रहती है बट अवेलेबल रहती है, और राधा कृष्ण गुप्त कुंड में अपनी लीला करते हैं। ऐसा ये वृंदावन का वातावरण है। तो ये दो स्थान यहां पर, अभी वृंदा देवी यहां पर बैठकर अपने तोतों को भी मैनेज करती है, बाकी पक्षियों को मैनेज करती है। ये ऐसा सुंदर स्थान है कि यहां पर आज की तारीख में शाम को आएंगे आप, या तो सुबह आएंगे अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे, या सनसेट के टाइम पे आएंगे, तरह तरह के विविध प्रकार के पक्षी यहां पर आते हैं। अभी भी चल रहा है, देखो वृंदा देवी के तोता बोल रहे हैं, राधे 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 राधे। तो सारे पक्षी शाम को मिलकर यहां पर अपना एक संगीत कार्यक्रम करते हैं, संगीत सभा, डिवाइन म्यूजिकल कंसर्ट, अपना अपना गीत सुनाते हैं। यही तो ब्रज का वास्तविक आनंद है। हम लोग खाली देखेंगे कहाँ सिंगाड़ा मिल रहा है, आज उपवास है, कहाँ केले मिल रहे हैं, कोई चिक्की मिलेगी किधर, लेकिन पंछियों की आवाज कौन सुनेगा। ये रियल वृंदावन है, रियल वृंदावन का जो भाव है, जो अनुभव है, ये आपको प्रकृति देगी। मैंने आपको बार बार जाता हूं तो आपको मैं पेड़ दिखाता हूं, क्यों, ताकि आपका ध्यान रहे भूमि पर। हाँ देखो, सब माताएं बैठे ना वहां पर, वो पीलू का पेड़ है, देखो ये जो पेड़ है यहां पर सफेद रंग का, वो पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे मैं बैठा हूं वो नीम का पेड़ है, कड़ू नीम। उसके बाद वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, हाथ ऊपर करो ऐसे, हाँ वो देखो, वो कदम का पेड़ है जिसके नीचे आप बैठे हैं, इतना सुंदर कदम की छाया में बैठे हैं, धन्यवाद दो उसको, प्रणाम करो, उसके रूट में जाकर दंडवत करो, राधा रानी का स्वरूप है वो। वृक्षाणाम अश्वत्थोऽहम्, ये वृक्ष जो है स्वयं कृष्ण है। ऐसे पूरे देखो आप, सर देखते रहेंगे ना तो आपको लगेगा अरे तो मैं देखा ही नहीं, तो इतने सारे पवित्र पेड़ यहां पर फैले हुए हैं। और जो आपके आसपास लता पता है, ये सब राधा स्वरूप है, गोपी स्वरूप है।
तो ब्रज जो है ना वो इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। हम लोग ज्ञान कैसा ग्रहण करते हैं? हम लोग ज्ञान आंखों से ग्रहण कर देखते हैं, समझते हैं, कान से सुनते हैं, जबान से टेस्ट करते हैं, स्किन से टच करते हैं, और क्या है, नाक से सूंघते हैं। इसके अलावा कोई ज्ञान का मार्ग है क्या? ओनली फाइव रूट्स आर देयर। इसी पांच मार्ग से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो वृंदावन में जब रहते हो आप, ब्रज यात्रा में आए हो, तो ये पांचों दुकान खुले रखो, पांच दुकान बंद मत करो, या चार बंद करके एक खुला मत रखो, सब खुले रखो, सभी इंद्रियों से ग्रहण करो वृंदावन को। वृंदावन में एक खुशबू भी है, वृंदावन में एक स्पर्श का भी नॉलेज है, अभी ठंडा लग रहा है, अभी गर्म लग रहा है, हाँ आंखों से दिख रहा है, इतना सुंदर हरियाली, फूल, बहुत सुंदर मंदिर कुंड दिख रहा है आंखों से, कानों से कथा ग्रहण हो रही है, और क्या बोला, प्रसाद मिलेगा, वो सब समझते हैं बराबर से। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हाउ वंडरफुल कृष्णा इज व्हेन ही इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रसादम। हम सब लोगों का फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसा हुआ था? प्रसाद। हम सब लोग विद्यार्थी दशा में प्रसाद खाने के लिए मंदिर जाते थे, वो भी टाइमिंग देख के बराबर से, मिस नहीं होना चाहिए, दर्शन बाद में करेंगे, पहला प्रसाद खाएंगे। और प्रसाद के माध्यम से ही, जैसे मछली को पकड़ते ना, ऐसे जिह्वा के माध्यम से पकड़ लेते हैं और फिर डालते हैं कटोरी टोकरी में, वैसे ही हमको भी जिह्वा के माध्यम से ही भगवान पकड़ते हैं और अपने गोद में डाल देते हैं, छोड़ दो इनको, माया के प्रभाव से मुक्त करके अपनी टोकरी में रखो। तो शुरू वहां से होता है, लेकिन अंतिमतः हमारा ग्रहण जो है वो यहां पर एंड होना चाहिए, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा ग्रहण होता है। कान जो है वो सबसे अधिक आपको ज्ञान देता है, और कान की ऐसी महती है कि कान का जो काम है सुनना, ये लास्ट एंड तक आपका स्पर्श ज्ञान चला जाएगा, सुगंध आने का भी बंद हो जाएगा, नाक भी बंद हो जाएगी आपकी, आंख में मोती आ जाएगा, बट कान जो है वो लास्ट तक जागा रहता है। आप भैरे भी हो गए ना, आत्मी आपके आत्मा सुनती है, इसलिए क्या कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंतकाल में सुनने का मौका नहीं है तो वैसा बोल के फायदा क्या है? तो आदमी कोमा में रहेगा ना, फिर भी एंड में आप बोलेंगे ना हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा, तो सुनेगा, रिप्लाई नहीं कर सकता है लेकिन सुनेगा जरूर। तो कान से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। अभी गौलोक को तो हम देख सकते नहीं, आंखें यहां पहुंचेगी नहीं, लेकिन गौलोक के बारे में सुन सकते हैं और गौलोक के बारे में समझ सकते हैं, वो भी कान के माध्यम से। तो इसलिए जहां भी जाओगे आप ना, देखते रहो क्या सुंदर चीजें यहां पर हैं, क्योंकि आज आपको दिख रही है कल नहीं दिखेगी वो, कलयुग के प्रभाव से, काल के प्रभाव से आज है तो कल नहीं। हमने ऐसे कई स्थान देखे हैं पहले जो आज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मदन मोहन मंदिर में गए वृंदावन में, वो तो टील पर है ना ऊपर, उधर भगवान को एक जगह बिठाया था और 12 प्रकार के सूर्य, 12 सूर्य यहाँ का, एक ब्रह्मांड का और बाहर से इम्पोर्टेड 11, 12 लोगों ने मिलकर हीट दिया था भगवान को, क्योंकि भगवान ठंड से कांप रहे थे, जमुना जी में थे ना बहुत देर तक, तो उनको हीट दिया तो वार्म हो गए वो, और वार्म होने के बाद क्या हो गया, उनको पसीना आने लगा, फिर और पसीना आया और पसीना आया, स्वेद बिंदु कहते हैं उसको, स्वेद जल, और वो सब बह के वो माउंटेन के नीचे आया और एक कुंड बना, उसका नाम क्या है, प्रस्कंदन सरोवर। क्या बताया मैंने, प्रस्कंदन यानी स्वेटिंग, लोकल लैंग्वेज में, संस्कृत में प्रस्कंदन कहते हैं उसको। तो प्रस्कंदन सरोवर बना, हमने उसका दर्शन किया है 86 में, आज वहां पर मैदान बना हुआ है प्रस्कंदन सरोवर, अभी नहीं है वहां पर, ऐसे कई स्थान थे अभी नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको, जगे रहो, जागरूत रहो, मोबाइल में देखना बंद करो, कान से, आंख से, नाक से, त्वचा से, जिह्वा से वृंदावन को ग्रहण करते रहो, क्योंकि तो आज जो ग्रहण कर रहे हो वो कल नहीं रहेगा ग्रहण करने के लिए, खाले ऐसे बोलना पड़ेगा, वो ना प्रस्कंदन सरोवर था अभी नहीं है। तो ऐसा वृंदा देवी का स्थान है। इसमें विशेषता क्या है, इसमें किधर भी टैं 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 टू 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 टों 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 कुछ नहीं है, ट्रैफिक जैम नहीं है, नॉइज नहीं है, धुआं पोल्यूशन नहीं है,
भीड़ नहीं है, एकांत और शांत जगह है। यहां पर आपको रियल ब्रज का अनुभव मिलेगा। कलयुग के अंदर वो भी ढूंढना पड़ता है, ब्रज में भी ढूंढना पड़ता है रियल ब्रज किधर है, क्योंकि सब जगह आश्रम, दुकान, मॉल, लोही बाजार, ये दुकान, वो दुकान, मिठाई की दुकान, हर दूसरे, अगली बार आएंगे तो और चार होटल खुल जाते हैं, रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, क्या बताऊं। इस बार देखा मुरली वाला, पहले भारती, उसके बाद में ब्रजवासी, उसके बाद में ये, उसके बाद में वही दिखता है। और उस सब भीड़ में, सीमेंट कॉन्क्रीट के भीड़ में राधा कृष्ण को ढूंढना पड़ता है, किधर है राधा कृष्ण। इसलिए इधर लेके आते हैं लोगों को शांति से। कभी हम लोग कामेवन लेके जाते हैं, और भी एकांत है, बहुत रमणीक स्थान है। बहुत सारे आश्रम नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन वन मिलेगा, लीला स्थली मिलेगी भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। तो हमें वहां जाकर ब्रज का आस्वादन करना चाहिए। तो ये वृंदा देवी का स्थान, वृंदा देवी ने विशेष रूप से ऐसा रखा है उसको कि आप लोग अभी हमेशा आकर अपने चेतना को फोकस करके श्री वृंदावन धाम को ग्रहण कर सकते हैं। एक माधवदास नाम के ब्रजवासी थे, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 50-60 साल के पहले, वो इस जगह के सेवायत थे और हमारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, दीन बंधु प्रभु। उनका बहुत विशेषता है उनकी, वो तो वैसे विदेशी हैं, लेकिन विदेशी होने पर भी ब्रजवासियों के साथ में उनका बहुत प्रेम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोग कुछ भी हो, शहर के लोग हो, आईटी के हैदराबाद से हो, पुणे के आईटी से हो, एडवांस हो, टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिंग हो, यहाँ पर आके कोई आईटी वाईटी चलता नहीं है। इनको पूछो कितनी बार फेल होता है ना, कितनी बार कोशिश करनी पड़ती है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मिल रहा है, रेंज नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। यहाँ पर केवल एक ही रेंज मिलता है, राधा और कृष्ण रेंज, ओनली वन वाईफाई इज देयर, विच इज ऑलवेज एक्टिव 24/7, फुल्ली पावरफुल विथ फुल स्ट्रेंथ, है ना। तो ऐसे जगह पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कुछ भी हो फिर भी यहां पर आकर ना यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर इनका भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। हम तो बाहर से आते हैं ना, अपना अपना मुंबई का माइंड लेके आते हैं, यहाँ के लोगों का माइंड सेट क्या है। कल हम लोग उधर उतरे ना मोरकुटी से, तो एक मैया बाहर आई, सबको मालपुआ दे रही है, आपने लिया क्या, मैं तुरंत बताया ये ब्रजवासी है। व्हाट इज ब्रजवासी, देना, जो भी है वो देना, आपके पास है नहीं कुछ नहीं, आधी रोटी है, सूखी रोटी है, छाछ है, लो, दो नहीं, मांगने वाला वो ब्रजवासी नहीं होता है, ब्रजवासी वो देने वाला होता है, क्योंकि ब्रजवासी के पास राधा और कृष्ण है और वो दे सकते हैं। हाँ, बाकी जो मांगने वाले लोग हैं वो उसको हम बोलते हैं ठीक है राधे राधे, आप भी ब्रजवासी हो, लेकिन सच्चे ब्रजवासी वो है जो प्रेम रखते हैं हृदय में राधा कृष्ण के प्रति और आपके प्रति भी, त्याग रखते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं उसको। तो हमारे दीन बंधु प्रभु ने विदेशी होने पर भी यहां से हिंदी सीखे वो, और यहां के लोगों से बहुत प्रेम है उनका, जहां जाएंगे आप सब जगह दीन बंधु प्रभु जानते हैं। तो उनकी माधवदास से बड़ी प्रेम का रिश्ता था उनका, इतना रिश्ता प्रेम का था कि जब माधवदास जी बीमार हो गए तो हरे कृष्णा मंदिर में उनकी सेवा की गई कुछ समय, दीन बंधु प्रभु ने उसको संभाला, इतनी श्रद्धा निर्माण की उन्होंने कि माधवदास ने सोचा कि मेरे बाद में इस जगह को संभालने के लिए, सेवा करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो मैं इनको ही दूंगा सब कुछ। तो उन्होंने दीन बंधु प्रभु के नाम पे सब कर दिया कि आप सेवा करो यहाँ पर, और फिर यहां आए और यहां पर उनका देहांत हो गया। तो वो जो ऑल्टर पे एक फोटो है ना, देखो ऐसा लेटा हुआ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति का फोटो है ऑल्टर में, वो माधवदास जी है, बहुत अच्छे संत थे वो। और क्योंकि उन्होंने दीन बंधु प्रभु को ये दिया, इसलिए इसका सुंदर उसका मेंटेन किया गया है। ये सब मंदिर बाद में बना हुआ है, कुंड का भी जीर्णोद्धार हुआ है, गुप्त कुंड का भी हो रहा है, ये सब बाउंड्री भी बन रही है, लोगों को सुविधा है, टॉयलेट है, बैठने को जगह है, फॉरेस्ट है, ट्रीज है, प्रसाद की व्यवस्था है, प्रेम से स्वीकार करते, कोई आपको चिंता नहीं है, अरे पैसे दो, 11 रुपया दो, 500 दो, 1000 दो, 1100 दो, गाय का दो, इसका दो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्यों आते हैं यहाँ पर, लोग कृष्ण को मिलने आते हैं। आपका वो ये दो वो दो, ये चल रहा है वो चल रहा है, इधर दे उधर दो, ये सब करने के लिए सुनने के लिए नहीं आते,
वी वॉन्ट टू मीट कृष्णा एंड राधा हियर, भले कान से हो लेकिन मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए वातावरण निर्माण हो चाहिए ना, वातावरण निर्माण होना चाहिए कि पीपल शुड फील कि यस यस आई फेल्ट राधा कृष्णा ओवर हियर। तो वो वातावरण निर्मित जो है ना, द एटमोस्फियर क्रिएटिंग एटमोस्फियर इज डन ओवर हियर, सो दैट हमारे जैसे सिंपल लोग जो है वो राधा कृष्ण को अनुभव कर सकेंगे, टू फील राधा एंड कृष्णा। तो वृंदा देवी का गौरव अमर्याद गौरव है। वृंदावन में राधा रानी सबकी मालकिन है, उसके बाद ललिता विशाखा है, उसके बाद वृंदा देवी है। और एक्चुअल क्या होता है ना, प्रधानमंत्री को मिलना है तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन होता है, प्यून उधर का, वो आपको सब गाइडेंस करेगा कैसे मिलना है, कैसे जाना है, किसको कब आना है, कितने बजे आएंगे, कितने बजे बाहर निकलेंगे साहब, कब अच्छा मिल सकते हैं, कभी बिजी रहते हैं, वो सब प्यून आपको बताएगा क्योंकि वो वहां का प्यून है। तो वैसे कृष्ण को तो बाद में मिलेंगे, पहले वृंदा देवी की कृपा प्राप्त करना है, फिर उसके बाद ललिता विशाखा, फिर उसके बाद राधा रानी, फिर राधा रानी लगेगा तो वो कृष्ण को अर्पण करेगी। हर जगह पे एक सीक्वेंस होता है, हाँ राधे राधे जय श्री राधे श्याम, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो इनके पिताजी भागवत प्रसाद जी यहाँ पर थे, अभी भी हैं, अभी मिले हमसे, और इनके 6 पुत्र हैं और सब मिलकर यहाँ बढ़िया सेवा करते हैं प्रेम से, एक से एक बढ़कर पुत्र सब वृंदा देवी की बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। और सभी जो इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड डिवोटीज आते हैं यहाँ पर, सबके लिए बहुत अच्छा स्वागत करते हैं प्रेम से, हाँ कोई लालच नहीं है, तो बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनको असुविधा न हो, सच्चा ब्रजवासी वही है जो आने वाले यात्रियों का बहुत प्रेम से स्वागत करें, प्रसाद की व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था करें, स्थान दिखाने की व्यवस्था करें। पांडा का मतलब क्या है, पांडा का मतलब वो नहीं है अरे आया अभी पैसा मांगेगा, आजकल की पांडा की व्याख्या ऐसे ही, पांडा मतलब भाग जाते लोग, पांडा आया मतलब भागो, कुछ ना कुछ लेगा आपका, ले लेगा कुछ नहीं। पांडा यानी उसका संस्कृत नाम है तीर्थ पुरोहित। तीर्थ पुरोहित का मतलब है कि वो आने वाले हर यात्री की हर सुविधा की व्यवस्था करेगा, सुविधा और उनको कंफर्टेबल करने के बाद में जगह जगह लेकर जाएगा, वहां पर भी जाने आने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था करके कथा सुनाएगा और वो धाम का महात्म्य प्रकट करेगा। और ये सब करेगा निरपेक्ष, क्या आप कुछ देंगे उनको एंड में, इसलिए आपका कैसा नहीं, वो निस्वार्थ करेगा और लोग भी निस्वार्थ उसको दान देंगे प्रेम से, कोई रेट नहीं है, यहाँ लेके जाएंगे तो 500 रुपए, यहाँ लेके जाएंगे 2000 रुपए, ऐसा कुछ रेट नहीं है। आप चलो भगवान से मिलो, भगवान के बारे में सुनो, पेड़ों से गले मिलो, भक्तों से मिलो, ब्रजवासियों से मिलो, यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ की संस्कृति देखो, वो सच्चा तीर्थ पुरोहित है। और हम लोगों को अगर बनना ही है तो हमको ऐसा तीर्थ पुरोहित बनना चाहिए जो भगवान के धाम का महिमा लोगों को वितरित करता है, भगवान उस पर अनंत कृपा करते हैं। भगवद गीता में भी लिखा है ये जो रहस्य दूसरे को बताता है उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है दुनिया में, नो बडी इज मोर डियर देन दैट पर्सन हु टेल्स दिस सीक्रेट टू एवरीबडी एल्स। उसी प्रकार से भगवान के विषय में जो भगवान के स्थानों का से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणयी भक्ति संगे, ये सब भगवान के लीलाओं के स्थान जो है, जहां सब लीला कोइलो श्री नंदन नंदन, ये सब स्थान जो है वो प्रणय यानी प्रेमी भक्तों के संग में सुनना देखना उनकी दृष्टि से, ये सच्चा तीर्थ यात्रा है और वे सच्चे तीर्थ पुरोहित हैं। तो हमें सब लोगों को एक बार हाथ जोड़ के माधवदास जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए, दीन बंधु प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, भागवत प्रसाद जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आते और आपको बुरा व्यवहार होता है, इधर क्यों आ रहे हो, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, क्यों इधर जा रहे हो, ऐसा आपको व्यवहार होता आपको बुरा लगेगा कि चले जाओ यहाँ से, क्यों आए इधर, लेकिन आप सब लोगों को आनंद लग रहा है, पंडाल बना के रखा है, अगर पंडाल नहीं बनाते तो सब लोग अभी कभी प्रभु जी का प्रवचन खत्म होगा, पता नहीं कितना घंटा बोलेंगे, पता नहीं बोलते जाते हैं, रुकते नहीं है, ये धूप हमको मारे जा रही है, अभी अच्छा लग रहा है ना आपको, कोई ना कोई व्यवस्था करता है आपको अच्छा लगने के लिए, ध्यान रखना इस बात को, कोई ना कोई खर्च करता है आपको अच्छा लगने के लिए,
आपको आनंद मिले। आप बाहर से आए हो, दूर रहते हो, ब्रज में रहते नहीं हो, कुछ समय के लिए ब्रज में आते हो, तो आपको ब्रज का प्रेम प्राप्त हो, ब्रज का भाव प्राप्त हो, आप दिल से ब्रजवासी बनो, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। हा? ये करने वाला हर एक व्यक्ति हमारे लिए वंदनीय है, नहीं तो हम क्या चीज है? अगर हमारे लिए बोलने के लिए भी अगर सुविधा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, भाग जाएंगे यहां से, क्योंकि उसके लिए भी वातावरण चाहिए ना। अभी वो इन्होंने इतना अच्छा बढ़िया सिस्टम बना के रखा है, साउंड सिस्टम सेटअप किया पूरा, इधर सब सेटअप किया, इसलिए आप लोग बैठे हो सुन रहे हो आराम से। बोलो वृंदा देवी महारानी की।